जय गुरु जी। नमस्कार। पहले तो कल के लिए माफ़ी, कल मैं आपसे सत्संग शेयर नहीं कर पाया। येस्टरडे आई वॉज़ वेरी बिजी, कल बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया सत्संग रिकॉर्ड करने का और लाइव भी करने का। कोशिश ये रहती है मेरी कि किसी ना किसी तरीके से सत्संग आपसे शेयर कर दूं, चाहे शाम को लाइव आना पड़े, लेट भी हो जाऊं, बट कल मैं नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। मुझे पता है आप लोग वेट करते हैं सत्संग का, काफ़ी संगत के कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये पढ़कर कि आप लोग काफ़ी वेट करते हैं। कोशिश आगे से पूरी रहेगी, गुरु जी की कृपा रही तो सत्संग रोज़ ही आपसे मैं शेयर करूं, पूरी कोशिश रहेगी। टाइम का थोड़ा सा आप मुझे मार्जिन दिया कीजिए, क्योंकि डेली सत्संग आना है चैनल पर तो कभी कभी टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए 1:30 to 4:30, वैसे तो 1:30 से 3:30 के बीच में पूरी कोशिश रहेगी। कोशिश तो रहेगी कि 1:30 बजे ही आए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मार्जिन आई होप आप देंगे। आइए आज का सत्संग सुनते हैं। निधि आंटी ने शेयर किया है जलंधर से, कैसे गुरुजी अपनी संगत तक खुद पहुंच जाते हैं, उसके बारे में ये सत्संग है, सुनते हैं और उसके बाद मैं आपसे एक शेयर करूंगा मोटिवेशनल स्टोरी। आइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना आपका गुरु जी, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। सबसे पहले संगत जी, मैं अपनी जो जर्नी है गुरु जी से कैसे स्टार्ट हुई वो बताना चाहती हूँ। मेरे पापा एक्चुअली लास्ट ईयर से, अक्टूबर से, उनकी बैक पेन होती थी, ठीक ही नहीं हो रही थी, 1 साल होने को था। तो किसी ने, एक आंटी है हमारे घर आते हैं, उन्होंने मेरी मम्मा को बोला कि आप ऐसे गुरुजी हैं, आप उनसे क्यों नहीं फरियाद करते, उनका ऐसे जल प्रसाद होता है, आप वो क्यों नहीं देते हो, तो आप करके देखो एक बार। तो मेरी मम्मा ने बड़ी श्रद्धा से उनको पूजा करनी शुरू की गुरुजी की। स्वरूप तो हमारे घर में नहीं था गुरुजी का, बट उन्होंने शुरू करा। मम्मा, मैं भी उस टाइम पे अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जो फैमिली इश्यूज होते हैं हस्बैंड्स के साथ या फिर इन लॉज के साथ, तो मेरे मम्मा ने मेरे साथ भी शेयर करा और धीरे धीरे करके मेरा कनेक्शन गुरुजी से बनना शुरू हो गया। मैं ये बोलती थी, मेरे साथ अभी मैंने कोई गुरुजी का अपने साथ होता वो कोई चमत्कार नहीं देखा था कि गुरुजी ने मेरे साथ कोई चमत्कार, बट उनका मेरी लाइफ में आना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, वो मैं उस टाइम पे नहीं समझ पा रही थी। और धीरे धीरे करके मैंने जैसे गुरुजी के भजन सुनने शुरू करे, मेरे को बड़ा रस आनंद मिलता था गुरुजी के भजन को सुनना। मैं सिर्फ भजन सुनती थी, गुरुजी के जितने भी हैं वो मैं सुनती थी, प्लेलिस्ट जैसे लगाती थी, एक एक करके सुनती जाती थी। तो फिर मैं डेली ऐसे सुनना शुरू करा, मेरा धीरे धीरे करके विश्वास बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके मेरी आंखें तरसने लगी गुरुजी से मिलने के लिए, इच्छा जाहिर करने लगी कि नहीं गुरुजी, आप मुझे मिलो, आप मुझे दर्शन दो। आंखें रुआंसी सी हो जाती मेरी, कई बार खुशी होती तो गुरुजी को, स्वरूप को याद करके हंस भी देती, आधी रोती आधी हंसती, ऐसी ही थी मेरी। धीरे धीरे करके मेरा गुरुजी पे विश्वास बहुत ज़्यादा बनना शुरू, मेरे को लगा कि गुरुजी ही है और दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैंने ये नहीं मांगा कि मेरे साथ चमत्कार करो गुरुजी, मैं तो ही आपको मानूंगी, मैं इफ एंड बट्स मैं लेके चली ही नहीं, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला था, जिनसे मुझे पता चला या मैंने सर्च मारा, तो उनका कि आप अपने आप को जस्ट गुरुजी के हवाले कर दो बिना इफ एंड बट्स के, कंडीशंस के। तो मैंने विदाउट एनी कंडीशन जस्ट उनकी भक्ति करी, उनको याद करा। कभी परेशान होती तो गुरुजी का रात को स्वरूप अपना, जो अपने मैंने डीपी पे लगाया हुआ है उसे मैंने खोल लेना और उनसे बातें करनी गुरुजी से। कोई परेशानी होती, मैंने पहले अपने हस्बैंड से बात करती थी, परेशानी होती थी, कोई सोल्यूशन तो नहीं मिलता था पर टेंशन बढ़ जाती थी। उधर पेरेंट्स से बात करती थी, उनकी टेंशन बढ़ जाती थी। धीरे धीरे मैंने सब कुछ कट ऑफ कर दिया। मैंने, मुझे कोई परेशानी हुई, मुझे कोई अच्छी न्यूज़ मिली, कुछ भी है, मैंने गुरुजी से शेयर करना शुरू करा। और अभी भी ऐसा ही है, मैं गुरुजी से सब बातें करती हूँ, शेयर करती हूँ।
और गुरु जी ही अपने आप उसे सीधा कर देते हैं। कभी मेरे को टेंशन आती भी है ना, तो मैं बस यही बोलती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता वो टेंशन कहाँ चले जाती है, क्योंकि मैं टेंशन लेनी ही मैंने बंद कर दी है। मैं तो बस ये सोच के चली हूँ, मैंने अपना हाथ गुरु जी के हाथ में दे दिया है, मेरी आंखें बंद है, गुरु जी जहाँ मर्जी मुझे ले जाए, मुझे कोई अब वो नहीं। मेरे में बिहेवियर चेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं। पहले मैं किसी की चीज़ देखती थी, मैं जेलस फील करती थी, अपने हस्बैंड को बोलती थी। जैसे मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को देखना, तो मेरे को लगता था उसका हस्बैंड देखो उसे कैसे देखता है, आप तो उसे करते नहीं हो, वो तो घुमाने लेके जाता है, आप तो मेरे को लेके नहीं जाते, वो तो उसको वो देता है, आप तो देते नहीं हो। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा मैं कलपती थी। अब मेरा मैं अप्रैल 2002 में कनेक्टेड हुई थी गुरु जी से। अब मेरा ये कंडीशन है, अब ये लाइफ के मैं इस स्टेज पे आ चुकी हूँ, कोई किसको क्या दे रहा है, किसको क्या मिल रहा है, मुझे उस चीज़ से मतलब ही नहीं है। मुझे बस ये है कि मेरे साथ गुरु जी हैं, मेरे बस ये है, मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं। अब एक और अपना मैं बताती हूँ, जो गुरु जी ने मिरेकल करा, मेरे पापा की ऐसे रिपोर्ट्स, उनका जैसे मैंने बताया कि उनका बैक एक होता था, तो उनका जैसे MRI करवाई, टेस्ट में थोड़ा सा आया, तो डॉक्टर ने बोला कि आप इनका रिपोर्ट ये करवाओ, टेस्ट करवाओ, यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गए। उनके इन्फेक्शन 1910, जो कि रेंज अंडर 5 रेंज होती है, 1910 जो कि बहुत ज़्यादा, और उनकी जो बोन्स है बिल्कुल एकदम से, डॉक्टर ने बोला बहुत ज़्यादा वीक है, तो ध्यान बहुत रखना होगा। उनका ट्रीटमेंट शुरू करा, मैं जब भी फरियाद करती, मेरी आंखों में आंसू, मैं हमेशा बस गुरुजी के स्वरूप को ही अंदर देखती, गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी चेयर पे बैठे हुए हैं और मेरे पापा उनके चरणों में बैठे हुए हैं। और मैंने बस गुरुजी से यही कहा कि आप ही ने करना है गुरुजी, आपने ही करना है, मुझे नहीं पता कैसे करना है, ये आप ही ने करना है। 1 महीने के बाद जब पापा का दोबारा से टेस्ट हुआ, रिपोर्ट्स अंडर नॉर्मल, 3.5, कहाँ 1910 इन्फेक्शन और कहाँ 3.5। मेरा भाई कहता कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने उसको बोला गौतम ये मिरेकल है। मैंने मेरी भाभी को भी बोला, कहती वो मिरेकल में तू विश्वास करती है, मैंने कहा बिल्कुल मैं करती हूँ। कहती मेरा, जैसे मेरी भाभी ने बोला कि मैं इष्ट चेंज नहीं करती हूँ, मैं तो जिसको मानती हूँ बस वही मानती हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि साक्षी मेरा गुरु जी से कैसे मेरा कनेक्शन हुआ, अब ऐसा कनेक्शन है कि बस मुझे ये है कि इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, जो भी है सब यही है, मेरे को चला रहे हैं, मैं कुछ कर रही हूँ, अगर मैं कोई बिजनेस भी कर रही हूँ वो मेरा नहीं है, सब इनका है, इनका दिया हुआ है, इनको देखना है, मुझे नहीं देखना। मैं तो जस्ट कहते हैं ना कि एक सामने एक बंदा बैठाया हुआ हूँ, चलाने वाले तो ये है बस। तो जब रिपोर्ट्स आई बिल्कुल 3.5, मैंने अपने भाई को भी बोला, मैंने कहा देख भाई, सेम लैब सेम डॉक्टर के अंडर हुआ, अगर वो रिपोर्ट वो गड़बड़ होती तो वो चेंज भी कर सकते थे रिपोर्ट, इतनी ज़्यादा डिफरेंस ना लाते वो। तो भाई को भी हुआ, तो मैंने कहा गौतम इट इज़ अ मिरेकल जो मेरे गुरु जी ने करा है। मेरे मम्मा ने गुरु जी का जल प्रसाद जो है वो पापा को देना शुरू किया, जिसे पापा अब धीरे धीरे करके उनकी बैक का जो है वो ठीक हो रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। मेरे पापा भी गुरु जी को अब बहुत मानते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं और वो गुरु जी की कृपा से ठीक हो रहे हैं। फिर उसने दूसरे हॉस्पिटल दिखाया डाउट क्लियर करने के लिए, तो उस डॉक्टर ने बोला इट इज़ अ मिरेकल, ऐसा होता नहीं है बट इट इज़ अ मिरेकल, और ये मिरेकल सिर्फ मेरे गुरु जी ने करा है और किसी ने नहीं करा। फिर एक बात और हुई मेरी लाइफ में, मैंने मेरे घर में सब साईं बाबा जी को मानते हैं, और मैं जब गुरु जी का नाम भी लेती थी ना, पहले स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे हेडफोन लगा के कानों में सुनना कि सब क्या कहेंगे, हम तो इधर मानते हैं, ये किसको मान रही है। धीरे धीरे मेरे दिल में एक आया कि मैं ये क्यों सोचूं, मेरा मन इनको मान रहा है तो मैं क्यों डरूं किससे। तो मैंने फिर धीरे धीरे ऊंची ऊंची मंत्र जाप लगाना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मैंने खुद भी बोलने शुरू किए ऊंची ऊंची कि मेरा मन है, मैं मानती हूँ गुरु जी को, और मैंने अपना सब कुछ बस गुरु जी को ही मान लिया हुआ है। फिर
मेरे मन में इच्छा हुई कि मैंने बड़े मंदिर आना है या डुगरी कहीं पे भी। मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं ना आना चाहती हूँ पर मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो आपको मानती हूँ। मुझे नहीं पता कैसे आना, आपने मुझे बुलाना है। मैं हमेशा ये कह के ना मुस्कुरा देना, आंखें थोड़ी रुआंसी भी होनी कि मेरे गुरुजी मुझे बुलाएंगे। मैं तो यही कहती हूँ कि मेरा डाटा प्यो मेरे नाल है, मैनू डरन की लोड़ नहीं हैगी। मैं तो, मेरे लिए तो पिता है गुरुजी, पिता। तो मैं फिर मैंने हस्बैंड से सत्संग शेयर करने शुरू करे। गुरु मेरे हस्बैंड शिव जी भगवान जी को मानते हैं, जैसे शिवरात्रि होती है तो वो पूजा वगैरह भी करते हैं, जो शिव जी जी की वो भी करते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले, मैं बातें ऐसे सत्संग शेयर कर रही थी, हस्बैंड बोले तू जाना चाहनी है मैं तेनू ले जाऊंगा। उस दिन मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं कि गुरु जी ने अपने आप रास्ता बना दिया, वो भी इतनी जल्दी। मैं बहुत खुश। हम तब पंजाब में गए हुए थे, फिर पंजाब से हम वापस आ गए। मेरे हस्बैंड मदर इन लॉ वो नहीं आए क्योंकि हमारे घर में उन पापा के मामा जी की डेथ हो गई थी, वो 1 हफ्ता के बाद आए हैं घर वापस गुड़गांव में। तो उसके बाद मेरे जो मदर इन लॉ है, मैं गुरुजी का स्वरूप मैंने सतीश अंकल जिसे मंगवाया, एक अपने लिए एक पापा के लिए, तो मैंने वो स्वरूप, बहुत ज़्यादा सामान था बच्चों के साथ, मैं जैसे अपनी सिस्टर इन लॉ और उसके हस्बैंड के साथ वापस आना था, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि जब आप आओगे ना मेरे गुरुजी को लेते आना। तो मेरे मम्मी ने इधर, मम्मी जी जो मेरे सासू माँ, उन्होंने पूछा कि तू कैसे इनको जानती है गुरुजी को कैसे। मैंने फिर उनको सारा बताया, मम्मा कि ऐसा ऐसा आंटी जी है, मैं भी परेशान थी और फिर मैं इनके कनेक्शन मेरा बना, अब ऐसा कनेक्शन है कि मुझे लगता है कि इनसे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मन में अब कोई क्रोध नहीं है, कोई किसी को लेकर जेलस फील नहीं है, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हुआ है मेरे हस्बैंड के साथ। तो सब कुछ गुरु जी की मर्जी से हुआ है, जो भी हुआ है। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा मैं ना जाना चाहती हूँ। तो मम्मा ने मेरे बोला, इधर सासू मम्मा ने, छतरपुर केड़ा दूर है, चल पो चले जाओ, फेर की होया। उस दिन मेरी खुशी का डबल ठिकाना। और थोड़े दिन, बस एक आधा दिन में बात हुई, देन हफ्ते भर में जी बात होगी, जी हमने जी छतरपुर जाना है। तो मैंने सबको बोला कि मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ मिलने के लिए। और मैं लास्ट वीक सैटरडे ही गुरुजी के बड़े मंदिर, गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेके आई हूँ। फिर एक और इंसिडेंस बताती हूँ। फिर एक ऐसा हुआ कि मैंने कोई वीडियो देखा, यहाँ पे आंटी जी ने डाला, जैसे मैं ग्रुप में ऐडेड हूँ किसी, कि गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी का लगा हुआ भजन लगे हुए हैं, गुरुजी की जुत्ती पंजाबी जुत्ती और जो गुरुजी का चोला वो हिल रहा है। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, मेरे हस्बैंड कहते ये ना कई बार बास की जो आवाज़ होती है ना उसकी वजह से होता है। मेरे मन में आया पहले, फिर मैंने कहा नहीं, विश्वास नहीं डोला, गुरुजी है, गुरुजी है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मैं करती रही हूँ। मैंने अपने विश्वास को नहीं डगमगाया। मे बी वो टाइम था जब गुरुजी मेरे को और नचोड़ना चाहते थे, देखता कि ए हुन भटकदी है कि मेरे वाल ही रहती है, कि मेरे नाल ही कनेक्टेड रहती है। बट गुरुजी मैं थोड़े नाल ही कनेक्टेड रहना है और बस तुसी मैनू इदा ही अपने चरणों में लगा के रखियो, मेरे लिए और कुछ भी नहीं है गुरुजी। मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता मेरे काम कैसे सीधे होते हैं। मैं कुछ सोचती भी हूँ वो मेरा अगला दिन पूरा हुआ होता है। और जिस दिन कभी संडे होता है, बच्चे घर पे होते हैं, मैं कभी भजन नहीं सुन पाती, मेरे को लगता है आज मैं कुछ मिस कर दिया। फिर मेरे को लगता है रात को, फिर मैं गुरुजी के आगे आके रोती हूँ, क्या गुरुजी मेरा कनेक्शन टूट गया आपके साथ। फिर मेरे को लगता है कि यार आज मैंने किया ही नहीं है, आज मैंने सिमरन नहीं करा, आज मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, मेरा कनेक्शन टूट रहा है। फिर नहीं, ऐसे थोड़ा कनेक्शन टूट सकता है। फिर मैं गुरुजी के भजन सुनना, गुरुजी से बातें करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर एक छोटी छोटी, छोटी से छोटी बात भी
अपने बड़े पापा से शेयर करती हूँ, मेरे गुरु जी, मेरी जिंदगी। बस यही है कि अपने आप को उनके अंडर कर दो और कुछ भी नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड एक दिन बोले कि मेरी ऐसे प्रमोशन की बात चल रही है, अगर हुआ ना तो मैं भी। मैंने कहा अभे, मैंने वही उसको टोका कि अभे मेरे गुरु जी कंडीशंस में नहीं चलते, विश्वास करके चलो, वो सब कुछ देते हैं, इफ एंड बट्स लेके चलोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैं जब गुरु जी से कनेक्टेड हुई, मैं कोई इफ एंड बट्स नहीं लेके चली, मेरे को ये था कि मुझे एक रास्ता मिल गया, मैं धीरे धीरे करके कनेक्टेड होना शुरू होगी। मैंने कोई कंडीशंस नहीं लगाई, बिना कंडीशंस के चलो, अपने आप को उनके हवाले कर दो, फिर देखो आपके कैसे काम बनते हैं। अभी भी उनका कोई है ट्रीटमेंट तो मैंने अपने हस्बैंड को जल प्रसाद, जो कि ब्लेस मैं करवा के लेके आई हूँ लोटा बड़े मंदिर से लास्ट वीक, वो मैं देती हूँ पूरे श्रद्धा से। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी का ये जो जल प्रसाद है, यही दवाई है, यही सारा ट्रीटमेंट है, यही सब कुछ करेगा। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से कोई भूल होगी हो, कहीं पे मेरे शब्द ऊपर नीचे हो गए हो, तो गुरु जी मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सत्संग है जो मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू निधि आंटी, बहुत प्यारा आपने अपना सत्संग, अपनी जर्नी शेयर करी। और एक बात आपने शुरू में जो बोली, जो कि बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना, जेलेसी के ऊपर, कि आपको अपने सिस्टर इन लॉ को देखते थे तो अपने हस्बैंड को बोलते थे कि मुझे नहीं घुमाते या मुझे ये चीज़ नहीं दिलाते। इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ अ थिंग्स। सबसे पहले तो उस बात को पकड़ना और फिर उसे एक्सेप्ट करना पब्लिकली, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। हम सब अपनी कमियों को देखें और उसको सुधारने की कोशिश करें और आगे बढ़ें, बस ऐसे ही हमारा रास्ता अच्छा बनता चला जाएगा। बाकी जहाँ तक गुरुजी पर विश्वास की बात है, वो हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ नॉट इन अवर हैंड। जैसे आपके घर में किसी ने बोला ईस्ट को बदलोगे अपने ईस्ट देवता को, तो मैं ये एक सवाल करता हूँ हम सब से, अपने आप से भी, आपसे भी, सबसे, कि क्या पहले जिनको हम मानते थे उन पर विश्वास नहीं करते थे? करते थे। मैं भी साईं बाबा का ही डिवोटी रहा हूँ 16-17-18 साल, तो क्या मैं साईं बाबा पर विश्वास नहीं करता था? करता था। लेकिन जब गुरुजी लाइफ में आए तो वो अपने आप होता चला गया, विद रजामंदी, विद कृपा ऑफ साईं बाबा, विद कृपा ऑफ शिव जी, उनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ते हैं, गुरु के आशीर्वाद से ही हम गुरु तक पहुँचते हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो हम एक कदम नहीं बढ़ा सकते, जुड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर वो चाहेंगे तो कोई ना कोई हमारे साथ ऐसी चीज़ें करके भी दिखा देंगे जिससे हम उनसे जुड़ जाएं। वही हैं विश्वास बनाने वाले। हाँ, ये कोशिश करनी चाहिए कि जब लड़ पकड़ लिया अपनी तरफ से, किसी का भी, जिसका भी लड़ पकड़ा हो, गुरु जी का या किसी का भी, तो वो लड़ हम ना छोड़ें, पकड़ के रखें। बाकी एक वर्ड आपने नया सिखाया मुझे आज, रुआंसी, मैंने पहली बार सुना। आंखें रोने वाली हो गई, इसका मतलब होता होगा आई थिंक रुआंसी। नाइस नाइस वर्ड। चलिए अब मैं आपसे शेयर करता हूँ आज की स्टोरी। जय गुरु जी। काफ़ी समय पहले की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकला से बहुत प्रेम करता था और इसी के चलते उसने अपना पूरा जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। वह इतना ज़्यादा पारंगत हो गया था कि वो जो भी मूर्ति बनाता वो बिल्कुल असली लगती। हर कोई उसकी कला की प्रशंसा करता था, उसके चर्चे दूर दूर तक होते थे। अपनी इतनी प्रसिद्धि देखकर उस मूर्तिकार में बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया। इस भावना में वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ती गई और जब उसका आखिरी समय पास आ गया,
तब वह मृत्यु से बचने के लिए एक उपाय सोचने लगा। वह चाहता था कि यमदूत की नज़र उस पर ना पड़े। अंत में उसने एक उपाय किया। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 ऐसी मूर्तियां बनाई जो बिल्कुल दिखने में उसी के समान थी। मूर्तियां दिखने में इतनी जीवंत प्रतीत हो रही थी कि कोई यह नहीं कह पा सकता था कि मूर्तिकार कौन है और मूर्ति कौन सी है। मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। उनमें से मूर्तिकार को पहचानना मुश्किल था। फिर यमदूत उसके प्राण हरने पहुंचा, लेकिन वो 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर अचंभित हो गया। यमदूत उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि मूर्तिकार इन्हीं मूर्तियों में छुपकर बैठा है, लेकिन उसके प्राण हरने के लिए मूर्तिकार की पहचान करना आवश्यक है। नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था और यमदूत उसके प्राण छोड़कर नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता था। यमदूत चाहता तो वो हर मूर्ति को तोड़कर भी देख सकता था, लेकिन यह मूर्ति कला का अपमान होता। ऐसे में यमदूत ने एक तोड़ निकाला। यमदूत को यह बात पता थी कि मूर्तिकार बहुत ज़्यादा अहंकारी है। उसे अपनी कला पर बहुत अभिमान और अहंकार है। ऐसे में यमदूत ने मूर्तियों को देखकर कहा कि ये सभी मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर और अद्भुत हैं, लेकिन इसको बनाने वाले मूर्तिकार ने एक गलती कर दी। अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे बताता कि वो गलती क्या है। इतने में मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उसने झट से बोला, क्या त्रुटि हुई मुझसे, असंभव कि मैं कोई गलती कर सकूं। मेरी बनाई मूर्तियां हमेशा त्रुटिहीन, सर्वत्र सदा के लिए होती हैं। यमदूत की चाल कामयाब हुई और उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया। उसने कहा कि मूर्तियां कभी भी बोला नहीं करती। यही तुम्हारी त्रुटि है कि तुम अपने अहंकार पर काबू नहीं पा सकते। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें अपने अहंकार को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य के जीवन के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है। झुकता वही है जिसके सीने में जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जय गुरुजी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए, मैं सारी संगत से शेयर करूंगा। सत्संग हैज़ टू बी बिटवीन 10 to 30 मिनट्स, 10 से 30 मिनट के बीच में आपका सत्संग हो, प्लस पीछे से कोई शोर ना हो, पंखा कूलर एसी कुछ मत चलाइएगा, और सत्संग भेजने से पहले एक बार सुन लीजिएगा कि कोई शोर तो नहीं, शोर होगा तो फिर से रिकॉर्ड कीजिएगा, क्योंकि अगर शोर है सत्संग में तो वो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात का। गुरु जी की आज्ञा हुई, गुरु की कृपा हुई तो बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूँगा। इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप फेसबुक पेज फॉलो करना चाहते हैं गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग का, या इंस्टाग्राम पर भी पेज है गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग का, तो मेरा पर्सनल पेज, GSB का पेज और फेसबुक पेज, सबके लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। होपफुली विद गुरु जीज आज्ञा, गुरु कृपा, आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय गुरु जी।